नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और वहीं अब सूबे के सियासी रण में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि विपक्ष को पटखनी देने और सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी आज से धुआंधार प्रचार शुरू कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज धुले में पहली सभा हुई। वहीं महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमबीए की गाड़ी में न पहिए हैं और न ब्रेक, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को लेकर महाविकास अघाड़ी को चेतावनी भी दी। अभी सुनिए और देखिए रिपोर्ट। मैं कांग्रेस और यहाँ अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। वही पीएम मोदी ने कहा कि एमबीए के नेता महिलाओं को गाली दे रहे हैं। महाराष्ट्र की हर महिला को एमबीए से सतर्क रहना है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के लिए हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान बनाना, उन्हें सशक्त करना बेहद जरूरी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज तेज प्रगति करता है और इसीलिए पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता मिलने पर लाडली बहना योजना बंद कर देगी। कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस इस योजना को बंद करवाना चाहती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी महायुति के उम्मीदवारों के लिए 4 दिनों में 9 सभाओं को संबोधित करेंगे और वोट मांगेंगे। इस दौरान मोदी एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी के अलावा राज्य में आज से गृह मंत्री अमित शाह की भी चुनावी रैलियां शुरू हो रही हैं। महायुति गठबंधन में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार ने एनसीपी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले चरण के प्रचार कार्यक्रम के तहत पहली सभा आज धुले में हुई। इसके बाद वो नासिक में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।